वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है जब जूलिंग इंग बुक पढ़ रही होती है तो उनकी सिस्टर उनके चोट पर दावा लगा रही होती हैं। दावा लगाते हुए वे बोलती हैं कि रोंगयू आया है फादर से मिलने के लिए। तब जूलिंग को गुस्सा आ जाता है कि और वे ये भी बोलती हैं कि वे क्यों आया है यहाँ पर, और वे जानकर वे उनसे रोंगयू से मिलने जाती हैं। पर सिस्टर इल्लो उनको रोक देती हैं और बोलती हैं अगर तुम जाओगी मिलने अभी तो फादर और गुस्सा करेंगे, वे पहले से ही तुम पर गुस्सा है और गुस्सा आ जाएगा उनको। और ये सब रोंगयू और उनके फादर देख रहे होते हैं। अगले स्क्रीन में दिखाया जाता है जूलिंग चिनचिन फेस्टिवल में आई हुई है, तभी वहां पर रोंगयू भी आ जाता है। और उसी टाइम जूलिंग को पता चलता है कि जिसको वे सिस्टर समझ रही थी वे रोंगयू है, और वे बोलती है क्या सही में वे तुम ही थे। जूलिंग ये जानकर बहुत बुरा लगता है उसको, सारी बातें याद करके वे रोंगयू को बहुत सुनाती है और बोलती है दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हो तुम, और तुम ये सब बोल के वे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोंगयू बोलते हैं मैं तो तुम्हें उसी समय बताने वाला था पर तुम ये बता नहीं पाया तुमको। रोंगयू और जूलिंग के फादर के पास डिवोर्स लेटर लेके आए हुए हैं और बोलते हैं मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। जूलिंग के फादर बोलते हैं क्या सब रोंगयू, क्या तुम ये सब सही में चाहते हो, क्या तुम जूलिंग की वजह से तो नहीं कर रहे। तब जूलिंग के फादर फिर से बोलते हैं कि तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वे अभी ये उसमें समझ नहीं है इसलिए वे ऐसा बोल रही है। फिर रोंगयू बोलते हैं जूलिंग को मैं नहीं पसंद हूँ इसलिए मैं उस पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता, उस पर कोई प्रेशर नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे उसी में खुशी होगी जिसमें जूलिंग को होगी, और ये लेटर और आप एक्सेप्ट कर लें। पर उसके बाद जूलिंग उनके फादर ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करते और वे वहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर कि मैं ये सदाई नहीं तोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है जूलिंग अपने परिवार के साथ खा रही होती है और उसके फादर बोलते हैं तुम हाफ ईयर के लिए घर पर ही रहोगी, बाहर नहीं जाना है तुमको। उसके बाद जूलिंग बहुत ट्राई करती है बाहर जाने के लिए पर सब वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है रोंगयू कैपिटल से बाहर जा रहे होते हैं पर रोंगयू को कोई पीछा भी कर रहा होता है, हमें ये भी दिखाया जाता है। उसके बाद रोंगयू एक इन में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तो जब वे गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं तब वे जूलिंग को देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही मिलेगा।